जीबीनगर थाना क्षेत्र के बसीलपुर में हत्या मामले में पुलिस के द्वारा चल रहे शुरुआती जांच में हत्या का तार सिवान के नगर थाने इलाके के चिकटोली मोहल्ले से जुड़ी हुई बताई जा रही है। हालांकि पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग व जमीन के बंटवारे के विवाह से जुड़े मामले को लेकर शुरुआती जाँच में जुट गई है। बता दें कि शनिवार रात करीब 8 बजे जीबीनगर थाना क्षेत्र के हरियरपुर पंचायत के बसीलपुर गाँव में मृतक असगर अली को उस वक्त नकाबपोश अपराधियों ने गोली मार दी थी जब वह खाना खाकर घर के बाहर टहल रहा था। मृतक असगर अली एक बीटेक का छात्र था और सिवान के चिकटोली स्थित अपने बहनोई हासिर अहमद के घर रहता था। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह पहले ही मृतक असगर अली सिवान के चिकटोली मोहल्ले से अपने गांव बसीलपुर गया हुआ था। मृतक असगर अली बसीलपुर निवासी स्वर के डॉक्टर आफाक का पुत्र था। शनिवार की रात हुए इस घटना के बाद तुरंत ही जीबीनगर थाना क्षेत्र की पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई थी और पुलिस के शुरुआती अनुसंधान में यह इस हत्या का तार सिवान के चिकटोली मोहल्ले से जुड़ा हुआ देख रही है। वहीं मृतक के बनोई के बयान पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मृतक के परिजनों ने जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पुलिस प्रशासन से की है।